बादल सागर चे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम हो हो हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, तो आज आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ लिया सारा। तो चैप्टर नंबर 3 में देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले सुनो कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। देखो लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1। इन्हें बोला है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आप देखो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। जैसे आपके पास एक्स प्लस 2y, तो डिग्री इसकी हाईएस्ट कितनी है 1, तो उसको बोलते हैं आप लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे इन टू वेरिएबल बोला है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी वर्ड आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ बोलूंगा एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, क्या ये टू वेरिएबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे z भी है वेरिएबल, यहाँ x और y है, तो इसको बोलेंगे हम टू वेरिएबल। अगर हम तीसरा वेरिएबल लगाएंगे उसको हम 3 वेरिएबल बोलेंगे, ना कि टू वेरिएबल। तो एक्चुअल में क्या होता है, वेरिएबल जिसकी सिर्फ दो, जैसे हमारे पास x प्लस y है तो दो वेरिएबल है, कल इस x भी होगा तो उसको बोलते हैं 1 वेरिएबल, अगर साथ में दूसरा वेरिएबल उसको बोलते हैं हम 2 वेरिएबल। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सबसे बोला है कि इस जो आपके पास स्टेटमेंट दिया है इसको हमें क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो सबसे पहली बात करें तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी हमारे पास एक्स। उसके बाद बोला जाए कॉस्ट ऑफ एंड द कॉस्ट ऑफ पेन हम मानेंगे वाई। दो वेरिएबल हमने लिखा है यहाँ पे, पहला लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक, क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जो नोटबुक है तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को किससे दुगनी है, किससे, पेन से, कॉस्ट ऑफ पेन से। तो हमने पेन के लिए क्या माना है वाई और नोटबुक के लिए क्या माना है एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लिखा हमने एक्स, और जो पेन है उसकी दुगनी कीमत है किससे, नोटबुक से। तो हम लिखेंगे इक्वल टू ट्वाइस वाई, ये ट्वाइस वर्ड इसमें लिखा ट्वाइस वाई, तो इसको हम बनाएंगे रेफरेंस का दोनों तरफ, अगर 2y है उसके बाद इस साइड लाएंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपके पास आया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बोलता है हमने क्या करना है, जो आपके पास पार्ट दिए हैं, क्योंकि इसमें पार्ट बहुत सारे हैं, मैं आपको पहले दो पार्ट यहाँ पे करवाऊंगा, बाकी के पार्ट आपने खुद करने हैं। पहला पार्ट आपका है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार, और सेकंड पार्ट है आपका x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, बोला कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इसकी फॉर्म में हमने जो भी पार्ट्स आपके पास दिए होंगे उसको इसकी फॉर्म में हमने लिखना है। इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस, मतलब हर एक पार्ट में हमें क्या दिखाओ कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे करेंगे हम इस पहले पार्ट में, सबसे पहले 2x प्लस 3y, तो ये इक्वल टू 9.35 बार, अगर इस साइड लाएंगे तो
-9.35 बार इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास बन गया इसकी फॉर्म में, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो x के साथ ए देखो ए बी एड कुछ भी हो सकता है कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई x x के पीछे जो कोफिशियंट है ना वो a की वैल्यू है, और y के मल्टीप्लाई जो है कोफिशियंट, y के कोफिशियंट क्या है 3 है, और कॉन्स्टेंट टर्म इसका कोई वेरिएबल लगा नहीं तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ पे ये तुम्हारे पास इसकी फॉर्म में तो बन गया ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी, तो इसके आप वैल्यू लिखेंगे ए बी एंड सी। तो ए हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट है, तो ए हमारे पास 2 है, और बी हमारे पास क्या होगा वाई का कोएफिशिएंट, तो बी हमारे पास 3, और कॉन्स्टेंट टर्म हमारे पास है -9.35 बार। तो सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट सबसे पहले इसके फॉर्म में देखना है इसको, इसके फॉर्म तो आर डी है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो एक्स ए एक्स तो इक्वल बिल्कुल इसी के फॉर्म में है, हमें इसमें क्या करना है सिर्फ इंडिकेट ए बी एंड सी की वैल्यू। तो मैंने बोला था कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही होता है, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 1, और बी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है -1/5, और सी कॉन्स्टेंट टर्म क्या हमारे पास सबको वेरिएबल नहीं है तो -10। ये आपके पास इंडिकेट करें ए और बी और सी की वैल्यू, ये ऑलरेडी था इसके फॉर्म में, हम इसके क्या इंडिकेट किया सिर्फ ए और बी और सी की वैल्यू, ऐसे ही बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं।